नमस्कार बच्चों लोग, वेलकम टू द केमिका पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, प्लैंक्स क्वांटम थियोरी के बेसिस पर कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज का टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों आप देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते समय आपके दिमाग में दो बातें एकदम क्लियर रहनी चाहिए कि सबसे पहली बात, बोर के सामने जो सबसे पहला चैलेंज था दैट वाज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना। क्योंकि भाई उसके जस्ट पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया गया, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पहला चैलेंज तो ये था कि एटम किस तरह से स्टेबल है, इसको एक्सप्लेन करना था। और दूसरा, ये जो बीच में भाई रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में ये जो डिस्कवरीज हुई, जो डेवलपमेंट्स हुए, इनको भी याद ध्यान में रखते हुए एटम के मॉडल को प्रपोज करना था, है ना। लाइक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम लोगों ने बनाया, उसको भी भाई एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। और इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बोर्स मॉडल के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके बेसिस पर डिफरेंट फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ करना है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो भाई बोर ने सबसे पहले तो जो रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक था उसको दूर करने के लिए बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में ही घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन सर्कुलर पाथ में ही घूमेंगे, और इन सर्टेन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स, अलाउड एनर्जी स्टेट्स, या मोर कॉमनली ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। खासियत क्या है इन ऑर्बिट्स की? खासियत यह है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब तक वो ऑर्बिट में घूमता है तब तक कांस्टेंट रहती है। पहचान क्या है ऑर्बिट की? तो भैया ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, है ना। ये जो पहले तीन पॉइंट्स हैं ये एटम की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही घूमेगा सर्टेन सर्कुलर पाथ्स में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए ये तीन पॉइंट्स पहले आप नोट कर लीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल के। फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर पाथ्स ओनली, और इन सर्टेन सर्कुलर पाथ को ही हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स या फिर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इनको ऑर्बिट के नाम से भी बुलाते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में घूमता है तब तक उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। और थर्ड पॉइंट, ऑर्बिट की एक तरीके से पहचान, आप कैसे भाई आइडेंटिफाई करोगे कि कोई सर्कुलर पाथ ऑर्बिट है कि नहीं है? तो उसके लिए बोर ने बोला कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। तो भाई कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? mvr। तो m इलेक्ट्रॉन इंटू वी इंटू आर विल बी इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। mvr विल बी इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन फर्स्ट पॉइंट बोर एटॉमिक मॉडल के किस लिए हैं? एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब दूसरा, उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला भाई? उन्होंने भाई लाइट का जो डुअल नेचर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया था, प्लैंक ने लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और भी ज़्यादा प्रूव हुआ वो, तो उसको यूज़ करते हुए बोर ने हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें
या इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करे तो फिर वो हायर से लोअर में और लोअर से हायर ऑर्बिट में भी जंप मार सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाए या हायर से लोअर में आए, दोनों ही केसेस में जो भी एनर्जी रेडिएट होगी या अब्जॉर्ब होगी वो इस दोनों एनर्जी स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस के एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो इन दोनों के बीच का जो भी गैप है वो इस एनर्जी रेडिएटेड या अब्जॉर्ब एनर्जी के एग्जैक्टली बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए इन्होंने बोला। पहला कि इलेक्ट्रॉन जंप मार सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाई अब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी। एनर्जी अब्जॉर्ब या रेडिएट करके भाई इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होगा वो रेडिएटेड या अब्जॉर्ब्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम लोग भाई मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखें तो दोनों ही स्टेट्स के बीच का एनर्जी गैप अगर सपोज डेल्टा ई है, डेल्टा ई, और ये लाइट के फॉर्म में सपोज रेडिएट या अब्जॉर्ब हो रहा है, तो भाई लाइट के फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc/λ या hν। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल डेल्टा ई मस्ट बी इक्वल टू hc/λ और hν। जो भी लाइट रेडिएट की जा रही है या जो भी लाइट अब्जॉर्ब की जा रही है उसकी एनर्जी दोनों स्टेट्स के एनर्जी गैप के एग्जैक्टली बराबर होगी। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल के यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया बोर ने, पहले एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जो रदरफोर्ड मॉडल में नहीं हो पाया था, और दूसरा बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए, लाइट का डुअल नेचर एस्टेब्लिश हुआ और हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम बना, उसके लिए इन्होंने लास्ट में बोला कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज है वो एनर्जी रेडिएटेड या अब्जॉर्ब्ड एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर बोर ने और भी कैलकुलेशन किए और उन कैलकुलेशंस के बेसिस पर एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला भी डेराइव किया। तो यदि हम लोग हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी या फिर उसका रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये भी हम लोग बोर मॉडल की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। What is radius of nth Bohr orbit? तो भैया किसी भी nth state की radius Rn, इसको हम लोग लिख सकते हैं A0 multiplied by n square by z. Rn is equal to A0 n square by z. यहाँ पर n आप ऑलरेडी देख ही रहे हो भाई, nth orbit है। z जिसको हम लोग बोलते हैं atomic number. Z is atomic number of the atom. और फाइनली ये जो A naught constant value है इसको बोला जाता है Bohr's radius. This is Bohr's radius. और इसकी value बच्चों होती है 0.529 angstrom. ये value है A naught की। और दो इसका meaning अगर आपको देखना है तो यार देखो N और Z दोनों की value आप वन रख दीजिए, N और Z दोनों की value वन रख दीजिए। Z की value वन रखी मतलब hydrogen atom, और n is equal to 1 means हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट, n is equal to 1 means हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट। तो ये जो आपका a नॉट है ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की रेडियस। अगर आपको बोर मॉडल का फिजिकल मीनिंग समझना है, फिजिकली ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो यहां पर भाई जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट बनेगी हाइड्रोजन की, मतलब जो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट है उसकी रेडियस बोर रेडियस के वैल्यू के बराबर होगी, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली हम लोग किसी भी nth स्टेट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सपोज nth स्टेट की एनर्जी निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला बोर ने प्रपोज किया, दैट इज En, फॉर्मूला फॉर nth स्टेट एनर्जी इज गिवन एज En इज इक्वल टू -Rh इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला यार, आप देख रहे हो लगभग सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है इसका भी, सारे वेरिएबल्स वही हैं, z एटॉमिक नंबर, n ऑर्बिट है, Rh ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट।
इसको बोला जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और क्या वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की? रिडबर्ग कांस्टेंट इज 2.18 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 18 जूल्स, या फिर इसी को भाई आप अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन के 4 से आप डिवाइड कर दीजिए जूल को, तो यहां से आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये यार रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका भी मीनिंग वही है, जेड और एन दोनों की वैल्यू 1 रख दीजिए तो क्या होगा, E1 विल बी इक्वल टू माइनस RH, मतलब Z की वैल्यू 1 रखी हाइड्रोजन एटम, N इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट, तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी किसके बराबर होगी, माइनस RH के बराबर होगी। रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है ये। ठीक है, तो ये बच्चों यार एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव इंटरैक्शन काम कर रहा है ना, इस नेगेटिव साइन का यही सिग्निफिकेंस है, ये डिनोट कर रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब देखो ऐसे समझो यार, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, बहुत दूर दूर हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, किसी को किसी के बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे वैसे वैसे अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव इंटरेक्शन किसी भी सिस्टम में बढ़ता है तो उसकी एनर्जी हमेशा नीचे जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी नीचे आती है, कम होती है एनर्जी। तो भैया जीरो से अगर कम करनी है एनर्जी मतलब क्या, नेगेटिव में जाना पड़ेगा, और यही मतलब है इस नेगेटिव साइन का, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बढ़ेगा और सिस्टम की एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होगी, कम होती चली जाएगी। नेगेटिव साइन में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब वैल्यू कम हो रही है। तो ये एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला। अब बच्चों यार ये जो हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव किया है इसकी हेल्प से, है ना, क्योंकि दूसरा टास्क, दो पहला टास्क तो यही था कि हाइड्रोजन एटम, सॉरी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना था, और दूसरा टास्क हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑलरेडी बन गया था, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फुंड ये सब सीरीज बन चुकी थी राइट, तो इनको भी एक्सप्लेन करना था बोर को, और इनको एक्सप्लेन किया बोर ने लाइट के पार्टिकल नेचर का यूज़ करके, जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने अभी लिखा था। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक, तो बच्चा देखो अब अगर हम लोग केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अब एन की कुछ वैल्यूज रख करके हम लोग वैल्यूज जरा इसकी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए सपोज एन की वैल्यू हमने 1 रख दी तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यहाँ से आ जाएगी माइनस आर एच, जिसकी वैल्यू होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सिमिलरली अगर आप एन की वैल्यू 2 रख दो तो एन की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर एन की वैल्यू 2 रखोगे तो आर एच बाई 4, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा ये आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर इसी तरीके से आप डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना यार, मैं तो कई बार तो सॉल्व कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे वैल्यूज अब याद ही हो गई हैं, है ना, आई कांट हेल्प इट, मुझे याद ही हो गई। तो अब यहाँ पर E3, E4 की वैल्यू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की मैंने वैल्यू रखी है, आप चाहो तो और भी वैल्यूज निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहली जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, जैसे जैसे हम लोग हायर स्टेट में जा रहे हैं वैसे वैसे इन सभी एनर्जी स्टेट्स के बीच का एनर्जी गैप कम होता चला जा रहा है। आप देख लो भाई, फर्स्ट और सेकेंड के बीच का एनर्जी गैप बहुत हाई है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन E2 और E3 के बीच का गैप काफ़ी कम है यार, इसको अगर आप निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो लगभग 1/5 टाइम्स हो गया। सिमिलरली आप जैसे जैसे हायर स्टेट में जाओगे वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा, तो पहली बात ध्यान रखने की यही है, इस तरीके के क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स में पूछ लिए जाते हैं, है ना, इसलिए सब चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी हाइड्रोजन स्पीसीज में लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो कंसेक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स के बीच का गैप क्या होगा, कम होता चला जाएगा, गैप लगातार कम हो रहा है।
ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग एनर्जी डायग्राम के फॉर्म में बनाएं, सपोज दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट, दैट इज एन इज इक्वल टू वन। अब एन इज इक्वल टू टू, वन और टू के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होगा, एन इज इक्वल टू वन और टू के बीच का गैप बहुत हाई है। लेकिन अब टू से थ्री में गए, थ्री का गैप काफ़ी कम है, वन बाई फाइव टाइम्स है इसका, तो इसलिए ये काफ़ी क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली आप और ऊपर जाओगे तो ये गैप और भी कम हो जाएगा, एन इज इक्वल टू फोर का गैप और भी कम होगा, फाइव का गैप और भी कम होगा, एन इज इक्वल टू फाइव का गैप और भी कम है। जैसे जैसे आप हायर स्टेट में बढ़ते चले जाओगे, इन सभी स्टेट्स के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाएगा। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर सपोज अभी सिक्स एनर्जी लेवल में बैठा है, हम लोग एमिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अभी सिक्स स्टेट में है, तो अब क्या सिक्स से इसको अल्टीमेटली आना तो ग्राउंड स्टेट में ही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल रहता नहीं, तो उसको अल्टीमेटली आना यही बने ग्राउंड स्टेट में। अब लेकिन इसके पॉसिबल तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, और जितने पॉसिबल तरीके हैं उन सभी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ रिलीज होगी, है ना। जैसे मान लो भाई एक तरीका तो ये है कि इलेक्ट्रॉन सिक्स स्टेट से डायरेक्टली जंप करके यहाँ पर फर्स्ट स्टेट में जंप कर दे, डायरेक्टली जंप कर दिया, तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगी, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है बोर्स मॉडल का वो यही बोल रहा है कि चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू द एनर्जी एमिटेड। तो मतलब ये जो सिक्स से वन में जंप आ रही है इसने, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इन दोनों के बीच का जो भी एनर्जी गैप है उसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी। और भी तरीके हैं, मान लीजिए भाई इलेक्ट्रॉन सपोज पहले सिक्स से टू में जंप मार ले, इसने पहले सिक्स से टू में जंप मारा और उसके बाद फिर ये टू से वन में जंप मारा। अब इस पाथ में टोटल दो जंप हैं यार, एक जंप सिक्स से टू है और दूसरी टू से वन। टू से वन वाली लाइमन सीरीज में जितनी भी जंप डायरेक्टली वन में आ रही है वो सब की सब लाइमन सीरीज में है, और ये जो सिक्स से टू वाली है ये बाल्मर सीरीज में आएगी। तो अगर मान लो हम लोगों को पहला तो दो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए हम लोगों को दे रखा है इलेक्ट्रॉन सिक्स ऑर्बिट में है और हम लोगों को ये वन ऑर्बिट में आना है इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों यार स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब डिफरेंट वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ मतलब डिफरेंट जंप्स। इस पूरे काम में जितनी भी डिफरेंट यूनिक जंप्स होंगी उन सभी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स या स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा। तो बस हम लोगों को भाई स्पेक्ट्रल लाइंस अगर पूछी जा रही है तो सिंपली हम लोगों को क्या देखना है इसमें कि टोटल कितने पॉसिबल जंप्स हैं, यूनिक जंप्स, पॉसिबल तरीके नहीं, सिक्स से वन में आने के पॉसिबल तरीके नहीं, सिक्स से वन में आने के लिए जो भी अलग अलग तरीके हैं उनमें कितनी अलग अलग टाइप की या यूनिक जंप्स हो रही हैं वो हम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइंस की जानकारी देगी। तो एक तो यार ये तरीका कि आप अलग अलग पाथ में जो भी जंप्स होने वाली हैं उनको काउंट करिए, लेकिन उसमें क्या कोई लाइन मिस होने का या फिर कोई जंप ऐड मतलब रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बेटर तरीका यह है कि आप सीधे सीधे क्या डिफरेंट सीरीज की नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी स्टेट से फर्स्ट स्टेट में डायरेक्टली जंप मारेगा तो ये क्या होगी, लाइमन सीरीज होगी। तो देख लो यार, सिक्स से वन में आ सकता है, फाइव से वन में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, फोर से वन में भी आ सकता है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन, और थ्री से वन में भी आ सकता है, टू से वन में भी आ सकता है, ये सब की सब डिफरेंट जंप्स हैं। और टोटल यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन गई लाइमन सीरीज में, फाइव लाइंस का फॉर्मेशन हो गया। लाइमन सीरीज में टोटल फाइव लाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली बाल्मर सीरीज देख लो यार, सिक्स से टू आ सकता है, फिर फाइव से टू में आ सकता है, फोर से टू में आ सकता है और थ्री से टू में भी आ सकता है। और ये जो बाल्मर सीरीज है इसमें टोटल कितनी लाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, फोर स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा। पास्टन सीरीज में देख लो भाई, पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से थर्ड स्टेट में आएगा तो सिक्स से थ्री आ सकता है, फाइव से थ्री में आ सकता है और फोर से थ्री में आ सकता है, टोटल थ्री लाइंस का फॉर्मेशन होगा पास्टन में। और इस तरीके से आप देख रहे हो भाई हर एक सीरीज में जैसे जैसे आप हायर एनर्जी वाली सीरीज में जा रहे हो वैसे वैसे एक एक स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो टोटल नंबर ऑफ जंप्स अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जंप्स काउंट करोगे तो यार ये कितना आ जाएगा, फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, मतलब कुल मिलाकर के भाई वन से लेकर के एन माइनस वन तक की संख्याओं का समेशन। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमेशा क्या होगी, वन से लेकर के एन माइनस वन, सिक्स से आया है स्टार्टिंग फाइव से हो रही है राइट, तो वन से लेकर के एन माइनस वन तक जितने भी नंबर्स हैं उनका समेशन निकालना, और ये फॉर्मूला आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा। वन से लेकर के एन माइनस वन तक की संख्याओं का समेशन क्या हो जाएगा,
एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला मैंने काहे के लिए लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, दैट विल बी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। जिस भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइन्स काउंट करनी है तो सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला लगाइए, ये आपको आंसर देगा। ठीक है, तो पहली बात तो यार ये स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में हो गई। अब जरा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर ली जाए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है यार। ऑलरेडी हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला देख ही चुके हैं, उसके बेसिस पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप मार रहा है तो उसमें कितने स्ट्रेंथ की वेवलेंथ या कौन सी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसके लिए तो सीधा सीधा यार बोर मॉडल का जो लास्ट पॉइंट है उसी को हम लोगों को अप्लाई कर देना है बस। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एक इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एन आई से फाइनल स्टेट एन फाइनल में जंप कर रहा है, एन इनिशियल से ये कहाँ जंप मार रहा है, एन फाइनल में जंप मार रहा है। तो इनिशियल एनर्जी आपको पता है ई इनिशियल, इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इनिशियल स्क्वायर। और सिमिलरली फाइनल एनर्जी भी आपको पता है, ई फाइनल विल बी इक्वल टू माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन फाइनल स्क्वायर। ये आपकी दोनों एनर्जीज बन गई। तो अब आप ये इन दोनों का एनर्जी गैप तो निकाल सकते हो ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना होगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, आप ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो भैया ई फाइनल क्या है, माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस ई इनिशियल दैट इज माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इनिशियल स्क्वायर। और आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आर एच इंटू जेड स्क्वायर कॉमन है पूरे में, तो यह आ जाएगा आर एच इंटू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये एन इनिशियल प्लस में आया है, वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई की वैल्यू आई है ये। और बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो डेल्टा ई है ये किसके बराबर होना चाहिए, एच सी अपॉन लैम्डा या एच न्यू के बराबर होना चाहिए। आप दोनों के बराबर रख करके देखिए, आपको फ्रीक्वेंसी का भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा और वेवलेंथ का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं फटाफट यार, ये छोटा सा काम है वो भी कर लिया जाए। तो डेल्टा ई अगर हम लोग इसको एच सी अपॉन लैम्डा रख दें तो दो क्या आ गया वैल्यू बेटा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वन अपॉन लैम्डा जिसको हम लोग वेव नंबर न्यू बार के नाम से भी जानते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है आर एच डिवाइडेड बाई एच इंटू सी इंटू वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। आर एच भी कॉन्स्टेंट है, एच भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, ये सब यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं। वैल्यूज रख दीजिए, और वैल्यूज अगर आप रखोगे तो यहाँ पर आपको एक यार नया कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया 109677 इंटू वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला है वेव नंबर, कोई भी अगर ट्रांजिशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको वेव नंबर चाहिए तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपको वेव नंबर मिलेगा। कोई भी सीरीज हो, कुछ भी हो, बस हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होनी चाहिए। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये जो बोर मॉडल है बच्चों, अभी हम लोग आगे चल के ये बात और भी करेंगे थोड़ा, कि ये जो बोर मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है गिवन एटम में या आयन में तो हम लोग फिर बोर मॉडल को उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी में यार अगर आप बस न्यू और ये वन अपॉन लैम्डा और न्यू बार, मतलब बेसिकली न्यू बार और हम लोग फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला लगा दें तो न्यू बार बेसिकली क्या हो जाएगा, सी न्यू डिवाइडेड बाई सी।
राइट, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा होता है। एक मिनट, चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पर अलग से लिख लिया जाए। रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा हुआ है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो आप यार यहाँ पर सीधे सीधे बस केवल ये वन अपॉन लैम्डा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए और उससे आपको न्यू का फॉर्मूला मतलब फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आएगा, 3.29 × 10^15 इंटू वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। एज सच अगर बात की जाए बच्चों तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस। और इनफैक्ट यार फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हमेशा एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट का ही डिफरेंस होता है, तो वही यहाँ पर फॉर्मूले में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग हैं, बाकी फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में है, वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करके आप कोई भी ट्रांजिशन है अगर, तो उस ट्रांजिशन का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चा ये बोर मॉडल की कंप्लीट थियरी है, जो भी फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड, ट्रांजिशन से रिलेटेड, वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में ये देखे हैं। अब हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट या फिर ऐसे बोला जाए कि जो कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा और आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, आई होप आज का ये लेक्चर सभी लोगों को क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई बात ना समझ में आई हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।